गर्मी के मौसम में अक्सर होने वाली आगजनी की घटना को देखते हुए फायर ब्रिगेड द्वारा पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 3 परमानेंट फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें गोलघर, गीडा तथा गोला शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटना को देखते हुए 5 तहसीलों में भी अस्थायी फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे आग लगने की किसी भी घटना से तत्काल निपटा जा सके। CFO DK सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 गाड़ियों से शहर के प्रमुख स्थानों, कार्यालयों में सैनिटाइज कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए CFO DK सिंह ने बताया, सर मौसम बदल रहा, गर्मी सीजन आ रहा है, लू भी चलता है और तेज धूप भी होता है, धूप ज्वलनशील भी होता है, इसको लेकर के तमाम जगह आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं गर्मी में देखा जाए तो। फायर ब्रिगेड द्वारा क्या तैयारियां हैं? जनपद गोरखपुर में 3 जगह तो परमानेंट फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन गोलघर, गीडा और गोला में है, आग लगावा करके एक गाँव है, वहाँ पे फायर स्टेशन खुला हुआ है। लेकिन फायर सीजन में ग्रामीण अंचलों में आग लगने की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए गर्मी में मार्च से ही हमारी जून तक के लिए 5 गाड़ियाँ जो है कि तहसीलों में खड़ी हैं, जिसमें एक कैंपियरगंज में एक हमारी फायर यूनिट तैनात है, एक बांस गाँव में है, एक चोरी चौरा में है, एक खजनी में और एक बढ़हलगंज में। कुल 5 जगह हम लोग अपने गाड़ियों को यहाँ से फायर स्टेशनों से फैला के वहाँ भी यूनिट खड़ी कर दिए हैं, जिससे कि वो जून तक बनी रहेंगी। कि फायर सीजन जून तक ज़्यादा रहता है ग्रामीण अंचलों में फसल की, फसल तो कट चुकी है, वो फसल की आग नहीं है, फिर भी इस साल आग कम भी थी, घरों की आग गर्मियों में लगती हैं लेकिन फसल की ज़्यादा थी, तो 30 जून तक रहेंगी। जो नज़दीक हैं तुरंत सूचना मिलने पर जल्दी पहुँच पाएंगी। तो 5 जगह हम लोगों ने जो परमानेंट के अलावा भी टेम्परेरी रूप में फायर स्टेशन को गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी कर रखे हैं, जिससे कि सहूलियत है काफ़ी। कुछ गाड़ियों को सैनिटाइज भी करा रहे हैं उसमें? हाँ, 3 गाड़ियाँ हमारी जो है कि शहर से सैनिटाइजिंग के लिए प्रतिदिन जाती हैं, और जो हमारे सब स्टेशन हैं गीडा, अगलगावा से भी, वहाँ से भी गाड़ियाँ जाती हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5। शहर के महत्वपूर्ण जो स्थान हैं, हॉस्पिटल है, मंडी है, फल मंडी है, सब्जी मंडी है, जो क्वारंटाइन सेंटर है, मार्केट है, कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट है, ऑफिसेज हैं, सब महत्वपूर्ण स्थानों पर लगातार सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। ये 21 मार्च से लगातार चल रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। फार्म भी है जो मल्टी स्टोरेज में कभी भी फायर फाइटिंग रेस्क्यू करने के लिए सक्षम है, तो वो भी जनपद गोरखपुर में उपलब्ध है। और ऐसी स्थिति में अगर मल्टी स्टोरी में हाई राइज बिल्डिंगों में कोई घटना होती है तो उसके द्वारा भी हम उस पर आसानी से काबू पा सकते हैं। गोरखपुर में फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी पर्याप्त हैं और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।